हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूएफसी इंडिया। बात करेंगे हम इस्लाम मखाचेव, नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, हु इज नेक्स्ट फॉर इस्लाम मखाचेव। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, काफ़ी शॉर्ट वीडियो लेके आए हो दोस्तों। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और शेयर करो दोस्तों मेरे ज़्यादा एमएमए और यूएफसी फैंस को, आपके सारे फ्रेंड को जाके, ताकि उनको यूएफसी और एमएमए की सारी न्यूज़ इस चैनल के जरिए मिलते रहे। फ्रेंड, अभी जो फाइट होने वाली है वो रफाई फिजी वर्सेस जस्टिन गेटजे। अब ये दोनों जो फाइटर हैं, इनको भी मौका मिल सकता है टाइटल फाइट लड़ने का। वो कंटेंडर बन सकते, कंटेंडर फाइट आई थिंक है भी, मुझे ऐसा लग रहा है। वो चांसेस हैं उनके, ज़्यादा चांसेस नहीं बट है चांसेस। और चार्ल्स ओलिवेरा और बैनल दरिश की जो फाइट है वो अभी कंफर्म नहीं हुई, बट वो होते ही तो वो भी एक कंटेंडर फाइट बन जाएगी ऐसे फिक्स होगी, तो उनको भी चांस है फुल। इधर एलेक्जेंडर वॉल्कोनोस्की है, वो भी लाइन में लगे, उन्होंने तो बोल दिया कि मुझे रीमैच चाहिए, रीमैच चाहिए वो भी बोल रहे, तो वो भी एक तरह से लाइन में। अभी वो होगा क्या, अब वो डायनामाइट के ऊपर है, उनको जहाँ दिखेगा अपना बिजनेस पेपर व्यू पीपीवी, वो उस तरफ भागेंगे और फाइट को फिक्स करेंगे और उसको मौका मिलेगा इस्लाम से फाइट लड़ने के लिए वापस से, या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। वो कौन होगा, ओलिवेरा होंगे सेकंड टाइम, या एलेक्जेंडर होंगे, या तो फिर जस्टिन गेटजे फिजी, कौन होगा ये पता नहीं। तो इन फाइटर में से किसी को चांस मिलेगा। अब देखते हैं डायनामाइट का क्या ट्वीट आएगा, क्या आएगा, तो मैं वो जैसी न्यूज़ मिलेगी ये चैनल पर आपको सब शेयर कर दूंगा, पूरा न्यूज़ जो भी रहेगा एकदम। इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।